हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो देखेंगे। ओके, करंट ट्रांसफार्मर का करंट रेशियो टेस्ट देखेंगे, उसी का क्या क्या चाहिए यही देख लीजिए। टू चेक वेदर द रेशियो एरर ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी करंट और विद इन स्पेसिफिकेशन वैल्यू। इसी में क्या फ्रेंड्स, हम लोग 100 आर्म्स इंजेक्ट, अभी देख लीजिए प्राइमरी 100 बार 1 आर्म्स। ओके, हम लोग 100 इंजेक्ट करेंगे तो हम लोग 1 आर्म्स आर आई करके देखने के लिए रेशियो टेस्ट। हम लोग प्राइमरी में 100 आर्म्स इंजेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, सेकेंडरी में हम लोग मेजर करेंगे 1 आर्म्स। ओके, 1 आर्म्स आएगा तो हम लोग तो ठीक है, सपोज वो 0.99 आर्म्स ऐसा आएगा तो भी ओके ना, प्लस आर माइनस वोल्टेज सॉरी करंट एरर है वो देख के हम लोग टिक कर सकते हैं, वेंडर का साथ कोऑर्डिनेट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, देख लीजिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ओके, प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट किट। ओके, प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट किट मतलब उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में 0 to 200 आर्म्स इंजेक्ट करने के लिए हम लोग का ऑप्शन है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लीजिए लोडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना, गलती किया मैंने, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है, लोडिंग ट्रांसफार्मर 0 to 2000 आर्म्स इंजेक्ट कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में 0 to 250 वोल्ट एसी इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर कॉपर केबल है 50 to 100 स्क्वायर एमएम, नहीं तो 90 स्क्वायर एमएम का कॉपर केबल ले लीजिए वो ठीक है। फिर क्लैंप मीटर, एक क्लैंप मीटर ले लीजिए। क्लैंप मीटर प्राइमरी करंट मेजरमेंट के लिए क्लैंप मीटर चाहिए। ठीक है ना, वो 0 to 2000 आर्म्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए लीकेज मीटर भी चाहिए, वो सेकेंडरी मेजर करने के लिए लीकेज मीटर चाहिए, वो 0 to 100 है तो हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, देख लीजिए नेक्स्ट कैसा करना है, देख लीजिए अभी देख लीजिए एक सीटी है। ठीक है ना, ये वाला क्या है, एक सीटी ले लिया पहले। ठीक है, एक सीटी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए ये वाला क्या है, सिर्फ प्राइमरी इंजेक्शन। ओके सॉरी, ये वाला सिर्फ रेशियो टेस्ट फ्रेंड्स, वो क्या ना प्राइमरी इंजेक्शन सॉरी सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट नहीं है, ये प्राइमरी इंजेक्शन है। प्राइमरी इंजेक्शन मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, वो फील्ड में चेक करें तो वो प्राइमरी इंजेक्शन करके बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी टर्मिनल से इंजेक्ट करेगा, नहीं तो प्राइमरी से भी इंजेक्ट करेगा। ठीक है, प्राइमरी से इंजेक्ट करने के बाद वो अप टू सीआरपी पैनल तक देखेगा, वो सेकेंडरी इंजेक्शन करके बोल देगा। ठीक है, पहले हम लोग टेस्ट करने के लिए प्राइमरी इंजेक्शन चेक करना है। ठीक है, अप टू फील्ड में चेक करना है, सीटी टिक से है करके चेक करना है। ठीक है, इसमें देख लीजिए एक स्विच बोर्ड ले लीजिए 0 to 250 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट एसी। ओके, वो 250 वोल्ट एसी। नेक्स्ट वेरियक ले लीजिए, वो भी 0 to 250 वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बताया लोडिंग ट्रांसफार्मर है, लोडिंग ट्रांसफार्मर 0 to 2000 आर्म से इंजेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लैंप मीटर में बताइए ना, क्लैंप मीटर। ठीक है, क्लैंप मीटर किसके लिए, मेजरमेंट के लिए, वो कहना प्राइमरी करंट मेजर के लिए चाहिए, वो 0 to 2000 आर्म्स से पहले बताया मैंने। ठीक है, फिर ये वाला देख लीजिए, ये क्लैमेटर है, क्लैमेटर किसके लिए, सेकेंडरी वोल्टेज मेजर के सेकेंडरी करंट मेजर के लिए चाहिए। ठीक है, पहले कैसे करेंगे करके देखेंगे, ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड से लगा देंगे। ठीक है ना, स्विच बोर्ड का प्लग लगा देंगे, प्लग लगाने के बाद देख लीजिए ये वाला वोल्टेज लीड है, ये दोनों ये वेरिएक से आउटपुट है, उसी का आउटपुट वोल्टेज कनेक्ट करना है उसी का लोडिंग ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज में। ठीक है ना, ये वाला करंट टर्मिनल है। ठीक है, ये वाला लोडिंग ट्रांसफार्मर है, हम लोग स्टेप अप करके दे देगा। ठीक है ना, पहले देख लीजिए एक
P2 में कनेक्ट कर दीजिए, एक P1 में लगा दीजिए, ठीक है। इसी के अंदर एक ही केबल में लगाना है, एक केबल में लगा दीजिए लो क्या ना क्लैंप मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सेकेंडरी टर्मिनल शार्ट कर दीजिए। ये देख लीजिए S1 S2 होगा, नहीं तो S2 होगा, S1 S2 S1 S3 S1 वो टैप है, ठीक है। पहले मैं सिंपली बता रहा हूँ S1 S2 का ले लेंगे, ठीक है ना। वो S1 S2 शार्ट करके फिर उसी का अक्रॉस में एक लीकेज मीटर लगा दीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, स्विच ऑन हो गया, इधर से इधर वो क्या ना वो वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। वो स्विच ऑन करेंगे तो ये वेरी करें तो क्लॉक वाइज में वेरी करेंगे तो इधर वोल्टेज आएगा। सब क्या ना 10 वोल्टेज रख दीजिए, 10 वोल्टेज रखने के बाद इधर का कुछ 50 एम्स बता देंगे, ठीक है। 50 एम्स इंजेक्ट हो जाएगा, इंजेक्ट होगा, फिर इधर कुछ मिली एम्स में दिखाएगा। अभी बताता हूँ ये कैसे है। अभी इधर का 50 एम्स हो गया, ये वाला एग्जांपल ले लेंगे, सीटी का एग्जांपल ले लेंगे 100/1 एम्स, ठीक है। अभी देख लीजिए वेरिया का वेरी करके क्लॉक वाइज में 50 एम्स रख दीजिए। 50 एम्स रखने के बाद से वो कहना कि को कैसे मेजर करना है, क्लैंप मीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर वो सेकेंडरी में शार्ट करके रखा ना, उसी का अक्रॉस में एक लीकेज मीटर लगा दिया होगा, उसी में अभी 50 एम्स इंजेक्ट हो गया ना। 50 एम्स में कितना आना है, 0.5 एम्स आना है। वो 0.5 एम्स आना है करके चेक करना है, ठीक है। ये वाला देख लीजिए 25% देख लीजिए, 25% 50% 75% 100% तक करना है, ठीक है। अभी देख लीजिए और एक बार बता देंगे, 100% मतलब 100 एम्स, ठीक है। ये 100/1 एम्स, ओके ना। 100 एम्स इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर सेकेंडरी में कितना आना है, प्राइमरी में दिखा रहा है 100 एम्स, सेकेंडरी में दिखाना है 1 एम्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। यही रेशियो टेस्ट फॉर करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते और एक मेथड है, ठीक है ना। वो ये देख लीजिए, अभी मैं बताता हूँ, सीटी एनालाइजर किट से भी चेक कर सकते हैं। ये सीटी एनालाइजर किट किसके लिए, सभी एक ही साथ कर सकते हैं, ओके। देख लीजिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, नीक पॉइंट वोल्टेज भी, नीक पॉइंट भी कर सकते हैं, फिर रेशियो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही साथ ये एक ही काम हो जाएगा, कहना ये वाला किट लेके करेंगे तो हम लोग का कहना टाइमिंग है वेरी कम होगा। एक सीटी करने के लिए उसी के पहले बताया ना, वो मॉडल से वो प्रोसीजर से करेंगे तो इसका कंपेयर करें तो 50% टाइम सेव होगा हम लोग का, ठीक है ना। हम लोग इधर का अभी ये तो पूरा सीटी एनालाइजर ही आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी देख लीजिए नेक्स्ट सेकेंडरी, ओके। सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट मैं बताया ना पहले, सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट किसके लिए करके, सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट देख लीजिए। यही में द वैल्यू ऑफ करंट इंजेक्टेड ऑन द सेकेंडरी ऑफ द सीटी, ओके, शुड मैच अप्रॉक्सिमेटली विथ द सेकेंड करंट मेजर्ड एट द CRP पैनल टर्मिनल पॉइंट। दिस इंश्योर प्रॉपरली सप्लाई ऑफ करंट टू द CRP पैनल। कुछ नहीं है, सेकेंडरी में करंट इंजेक्ट करेगा, ठीक है। करंट मतलब ओके ना, प्राइमरी 100/1 एम्स है तो सेकेंडरी में 1 एम्स इंजेक्ट करेगा, वो CRP पैनल तक चेक करेगा, वो टिक से है 1 एम्स इंजेक्ट करें तो 1 एम्स ही आ रहा है करके चेक करना है, ठीक है ना। वो कह किसके लिए, वो कहना क्लारीफाई कर सकते हैं हम लोग का तो केबल, ठीक है, कहना केबल भी ठीक है, फिर तो कहना रेशियो भी ठीक है, सभी टिक से आ रहा है करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए देख लीजिए सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट की चाहिए, नहीं तो हम लोग किया ना वो वेरिया पावर पैक वो भी रख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए क्लैंप मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट वो क्लैंप मीटर में बताया ना, वही क्लैंप मीटर नहीं चाहिए और लीकेज मीटर भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लैंप मीटर है तो क्लैंप मीटर यूज़ कर सकते, नहीं तो लीकेज मीटर यूज़ कर सकते, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए टेस्ट प्रोसीजर फॉर सेकेंडरी इंजेक्शन
टेस्ट है, ठीक है, कनेक्ट द सेकेंडरी इंजेक्शन किट अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल्स, ओके, अप्लाइड 0.5 amps, ओके, करंट मेजर्ड द सेकेंडरी मेजर्ड द करंट अक्रॉस द प्रोडक्टिव रिले पॉइंट्स एंड मीटरिंग पॉइंट्स इन द सीआरपी पैनल्स आर सी ना बीसीयू, ठीक है, पहले 0.5 नहीं तो कभी भी इंजेक्ट करने के पहले 0.1 amps इंजेक्ट कर दीजिए, ठीक है, फिर पूरा का पूरा केबल का चेक कर दीजिए, ठीक है, किधर किधर चल रहा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन रिले का भी जाएगा, मीटरिंग का भी जाएगा, नहीं तो कहना बीसीयू का भी जाएगा, ठीक है, पहले चेक करना है सम ऑफ करंट इंजेक्ट करके देखना, क्या पहले कभी भी कोई भी टेस्ट करने के पहले मिनिमम वोल्टेज और मिनिमम करंट कितना मिनिमम कर सकते उतना मिनिमम करके टेस्ट करना है पहले बार, ठीक है ना, फिर रिपीट टेस्ट फॉर ऑल कोर्स, ओके, ये एक सीटी में दो कोर तो तीन कोर है तो एक मीटरिंग ये दो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, दो प्रोडक्शन का भी दो प्रोडक्शन फिर मीटरिंग वो तीनों का भी करना है हम लोग का, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए डायग्राम देख लीजिए, यही सेम है, अभी मैं देख लीजिए वो इसे ना वेरिया में बताया ना वेरिया लिया करके, वो वेरिया की ये पूरा लिया है, ठीक है, वेरिया लिया पहले कैसे है, वेरिया लिया स्विच बोर्ड लिया लोडिंग ट्रांसफार्मर लिया, ठीक है, लीकेज मीटर लिया, इधर का हम लोग लोड लीकेज मीटर भी लगा सकते हैं, नहीं तो सी आर पी पैनल में हम लोग रिले में दिखा देगा, उसे डी सी ऑन ऑन करके रखना होगा उसी टाइम दिखा देगा, ठीक है ना, अभी देख लीजिए सेम है, ठीक है ना, वो देख लीजिए स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन कहना प्लग लगा दीजिए, लगाने के बाद स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन करने के बाद इधर वेरिएक में क्लॉकवाइज में कर दीजिए, क्लॉकवाइज में करने के बाद इधर का वोल्टेज 0.5 amps रख सॉरी मैं बताया 0.1 amps रख दीजिए, 1 amps रखने के बाद पूरा रिले का चेक कर दीजिए, रिले में प्रोडक्शन कोर है तो प्रोडक्शन कोर का चेक कर दीजिए, ठीक है, चेक करने के बाद 0.5 amps इंजेक्ट कर दीजिए, ठीक है, फिर और एक बार चेक कर दीजिए, नेक्स्ट 0.5 amps है ना, नेक्स्ट फाइनली हम लोग 1 amps इंजेक्ट कर दीजिए, ठीक है, 1 amps इंजेक्ट करने के बाद हम लोग सीआरपी पैनल में 1 amps आ रहा है करके चेक करना है, ये सेटिंग है एक ही है, वो प्राइमरी इंजेक्शन और सेकेंडरी इंजेक्शन का एक ही सेटिंग, ये एक ही सेटिंग है, एक ही सेटिंग मतलब क्या ना, वो लोडिंग ट्रांसफार्मर का कनेक्टर है, वो देख लीजिए प्राइमरी इंजेक्शन में P1 P2 ऐसा कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, इसी में, ठीक है, सेकेंडरी इंजेक्शन में सेकेंडरी में इंजेक्ट करना है, सेकेंडरी कोर में कनेक्ट करना है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना फ्रेंड्स, देख लीजिए और एक बार प्राइमरी इंजेक्शन करने के पहले प्राइमरी इंजेक्शन करने के लिए P1 लोडिंग ट्रांसफार्मर से P1 और P2 इधर कनेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी सेकेंडरी इंजेक्शन करने के समय लोडिंग ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी S1 में कनेक्ट करना है, नेक्स्ट देख लीजिए सेकेंडरी S2 में कनेक्ट करना है, इधर से CRP पैनल का ऑटोमेटिक वो हम लोग केबल थ्रू जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके ओके फ्रेंड्स, ओके बाय।